पाँच वर्षों से नाले की पूरी तरह नहीं हुई सफाई, घरों में घुस रहा नाले का पानी। बांदा जनपद की बबीरू नगर पंचायत का मामला, जहां नगर पंचायत वार्ड के लोगों ने बताया कि नाले की सफाई चार से पाँच वर्षों से नहीं हुई, नाला बजबजा रहा है जिससे बदबू और गंदगी का शिकार मोहल्ले वासी हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी सफाई करने के बाद कभी कभी आता है और झाड़ू लगाने के बाद वहीं पर कूड़ा लगाकर आग लगा देता है जिससे प्रदूषण होता है, लोग बीमार हो रहे हैं। इसे प्रभाकर नगर मोहल्ले वासियों में काफी रोष है। मोहल्ले वासी राम सुमीर गुप्ता, रामदास गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, रमेश कुमार ने बताया कि मोहल्ले में नाला है जिसमें चार से पाँच वर्षों से सफाई नहीं की गई। इसकी शिकायत वार्ड के सभासद एवं अधिकारी से कई बार की जा चुकी है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इससे बरसात होने के कारण नालियों का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। बांदा से जिला संवाददाता शुभलाल शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका सर जी, मेरा विजय कुमार गुप्ता नाम है। कौन सा मोहल्ला है? प्रभाकर नगर। ये क्या है सफाई की कर्मचारी इतनी बुरी तरह भरा हुआ है, इसमें घास जमी हुई है, जब तक तलिस नहीं साफ होता है तो इसमें रोड पे सब जगह सबके घरों में पानी घुसता है। अच्छा। और नाला के लिए कई बार कहा जा चुका, सालों से कह रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? घरों में पानी घुस जाता है। अच्छा, तो सबके घरों में पानी। कब से नाला साफ नहीं हुआ? रोड में पानी भर जाता है, कमर से पानी भर जाता है। कब से नाला साफ नहीं हुआ? ये करीब पाँच छः साल से नहीं साफ हुआ। अच्छा, ये साफ ही नहीं हुआ? जी नहीं, कह देते हैं कि बस यहाँ कोई घुस ही नहीं सकता, यहाँ कोई सफाई नहीं हो सकती। क्या इसकी शिकायत किसी से किया था? जी हाँ, मेंबर से कहा। हाँ, तो कह देते हैं सफाई करवाएंगे, बस ऊपर ऊपर से पन्नी हटवा के, हाँ, पॉलीथिन हटवा के चले जाते हैं, कह देते हो गई सफाई। नीचे से सफाई नहीं हुई है? हम चाहते हैं सक्षम अधिकारी आके देखे, इसको साफ करवाए, नीचे जब तक न साफ होगा तब तक इसी समस्या नहीं होगी। इस तरह में तो गंदगी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, के लिए बात हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता है आपका। हमारा नाम राम सुमेर गुप्ता है जी। कौन सा मोहल्ला है ये? प्रभाकर नगर। क्या समस्या है ये सफाई नहीं हो रही नाले की? ये बहुत दिन से, जब से कम पाँच छः साल हो गए, तो सफाई नहीं कोई करवा रहा, ना टाउन से साफ हो रहा, ना कहीं से मेम्बर से कहते हो, कहते हाँ हाँ हो जाएगा, बस तरका देता है। अब सफाई कर्मी आए तो ऊपर पानी निकाल चले जाते, नाला लबालब भरा हुआ। नगर पंचायत आप गए होंगे शिकायत करने, तो क्या वहाँ भी शिकायत करने गए? हाँ हाँ, वो कोई जवाब ही नहीं दिया गया। सफाई कर्मी आते हैं, कहते हैं हाँ साफ हो जाएगा, हम खड़े करके साफ करवाएंगे, कुछ आई नहीं, वो बड़ा बड़ा साफ करके चले जाते हैं। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत में जल भराव होता, थोड़ा सा पानी, अभी चार छः दिन पहले पानी बरसा, घरों में घुसने लगा था पानी, पानी निकल नहीं पा रहा है, सड़क कम से कम कमर के नीचे से भर जाती है, ज़्यादा पानी बरसा वही घरों में जाता है। अच्छा, अगर नालियों की सफाई हो जाएगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी? अगर नाला सफाई कर दें, अच्छी तरह से सफाई हो जाए, तो ये जल भराव, घरों में पानी ना घुसे, जल भराव ना हो, जल निकासी की व्यवस्था हो जाए। जल निकासी की व्यवस्था जरूरी सर। कौन सा मोहल्ला है ये? प्रभाकर नगर। नाम है आपका? मेरा नाम रामदास ना। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आते? हाँ, वहाँ लोग ये दो तीन चार घर में इतना पानी भर जाते कि गाटी गाटी घर में घुस जाए। अच्छा, नाला की सफाई नहीं होती। हाँ, आते हैं मेट जो है छे दिया तो ऊपर पानी निकलवा लेते हैं, अबर चला जाते। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कत हाई लाइल आई थे, जब इतने नल का पानी इतना भर जाता है, जब बरसात आ जाता है तो भर जाता। क्या सफाई कर्मी नहीं आता क्या? कभी तीन चार महीने में आता है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने नगर पंचायत में या वार्ड मेंबर से? हम कहते हैं नगर पंचायत वाले को। तो क्या आश्वासन मिलता है? वो कहता है निकलवा देंगे, मगर आज तक आए नहीं। अब फोन करता है उसको, हाँ, वो भी नहीं आता। नहीं आते क्या? हम लोग बोलते हैं उससे, मेट से। क्या नाम है आपका? रामदास गुप्ता।